क्लास फर्स्ट में जी की हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 52। तो बच्चों चैप्टर 52 में मैंने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये आपका चैप्टर का नाम है, हमने इसमें आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर कह सकते हैं पैराग्राफ फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, और इसको मैंने आपको ये देखिए इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने लिखवाया था। तो आज देखिए हम इसमें पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। फ्रॉम विच वर्ड इज ट्यूलिप ड्राइव्ड। ये ट्यूलिप बच्चों एक फ्लावर का नेम है, एक फूल का नाम है, और इस फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे उगा या फिर कह सकते हैं कहाँ का ये फ्लावर है और ये किससे। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो ट्यूलिप, ये जो इसका नाम है ये फ्लावर का ट्यूलिप, ये किस वर्ड से लिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर हमको पता चलेगा इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। एक बार फिर से देखते हैं, फ्रॉम विच वर्ड इज ट्यूलिप डिराइव्ड। ट्यूलिप वर्ड किस वर्ड से लिया गया है, जो फ्लावर का नाम है ट्यूलिप, ये किस वर्ड से लिया गया है। तो इसका आंसर हमको इस पैराग्राफ पढ़ने के बाद, ये पूरा एक फ्लावर के बारे में दिया गया जो भी जानकारी है, जब इसको हम पढ़ेंगे तो हमको इसका आंसर पता चलेगा। ओके, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्यूलिप्स आर फ्लावर्स दैट ब्लूम फ्रॉम बल्ब्स इन स्प्रिंग। द वर्ड ट्यूलिप कम्स फ्रॉम द तुर्किश वर्ड टर्बन। हॉलैंड बीकेम द सेंटर ऑफ ट्यूलिप ग्रोइंग अर्ली इन द 16th century। बच्चों यहाँ पर देखिए एस लिखा है तो ये 1600th हो गया, क्या हो गया 1600th। एट दैट टाइम पीपल वुड एक्सचेंज मैसेंस फॉर अ सिंगल ट्यूलिप बल्ब। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि जो ट्यूलिप फ्लावर है ये बसंत के मौसम में, बसंत ऋतु में, जब बसंत का ऋतु आता है, मौसम आता है, तो बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं। जब बसंत ऋतु आता है, बसंत के मौसम में ये जो ट्यूलिप फ्लावर है ये खिलता है, या फिर कह सकते हैं कि बसंत ऋतु में खिलने वाला फ्लावर ट्यूलिप है। फिर से देख लेते हैं एक बार। ट्यूलिप्स आर फ्लावर्स दैट ब्लूम फ्रॉम बल्ब्स इन स्प्रिंग। बल्ब मीन्स होता है बच्चों ये जो लाइट, जो बल्ब आप सबने घरों में देखे होंगे, जो हम लोग उजाले के लिए, रोशनी के लिए जो जलाते हैं, उसी को यहाँ पर बल्ब बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर बल्ब इसलिए लिखा गया है, जो ये ट्यूलिप फ्लावर बच्चों इसका जो शेप है, इसका जो आकार है, ये बल्ब के तरीके से ही, इसका जो शेप है ये बल्ब के जैसा ही दिखने में लगता है, इसलिए यहाँ पर इसको फ्लावर को, ट्यूलिप फ्लावर को बल्ब की, बल्ब से इसको बनाया गया है, फिर कह सकते हैं बल्ब से इसको डिनोट किया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि इसका जो आकार है वो किसके तरीके से है बच्चों, बल्ब की जैसा है। ये ट्यूलिप फ्लावर देखने में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक बल्ब का आकार ही है, या फिर कह सकते हैं इसका जो शेप है वो बल्ब के जैसा ही लगता है। ये देखिए आपको पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये ट्यूलिप फ्लावर है, ये वाइट कलर का होता है, इसका इसका जो शेप है ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये एक बल्ब के जैसा है। इसका आकार किस कैसा है बच्चों, एक बल्ब के साइज है, बल्ब के जैसा है। तो यहाँ पर लिखा है ट्यूलिप फ्लावर बसंत के ऋतु में खिलने वाला फूल है। द वर्ड ट्यूलिप कम्स फ्रॉम द तुर्किश वर्ड टर्बन। ये जो देखिए यहाँ पर तुर्किश एंड टर्बन ये वर्ड लिखा, इस वर्ड से लिया गया है, क्या लिया गया है ट्यूलिप, जो फ्लावर का नाम है। अभी जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा दिया, यहाँ पर दिया गया था ऊपर कि ट्यूलिप वर्ड किस वर्ड से लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हमको पता चल रहा है, यहाँ पर इसका आंसर मिल रहा है कि ये जो ट्यूलिप वर्ड्स हैं, ट्यूलिप वर्ड है फ्लावर का, ये किससे लिया गया था बच्चों, ये तुर्किश एंड टर्बन से ये लिया गया था। किसे लिया गया था, तुर्किश एंड टर्बन से ये ट्यूलिप वर्ड लिया गया था। हॉलैंड बीकेम द सेंटर ऑफ ट्यूलिप ग्रोइंग अर्ली इन द 1600s। यहाँ पर लिखा गया है कि हॉलैंड ये एक देश का नाम है, तो उस देश में बच्चों ट्यूलिप, ये जो फ्लावर है ट्यूलिप, ये उस देश में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता, बहुत ही ज़्यादा खिलता है, तो इसलिए हॉलैंड ट्यूलिप का एक केंद्र बन गया। जो ये हॉलैंड देश है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्यूलिप खिलने के कारण, या फिर कह सकते हैं ट्यूलिप फ्लावर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खिलते हैं, इसलिए हॉलैंड ट्यूलिप का एक केंद्र बन गया। आगे एट दैट टाइम पीपल वुड एक्सचेंज मैसेंस फॉर अ सिंगल ट्यूलिप बल्ब। यहाँ पर देखिए लिखा बच्चों, उस समय
ये काफ़ी समय पहले की बात यहाँ पर की गई है। लिखा गया है कि उस समय लोग एक ट्यूलिप फ्लावर के बदले में, या फिर कह सकते हैं कि एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक अकेला फूल के बदले में वो लोग क्या करते थे, एक महल कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं मकान, एक ट्यूलिप फ्लावर के बदले में ट्यूलिप फ्लावर का आदान प्रदान करते थे। उसके लिए क्या लेते थे, अगर वो एक ट्यूलिप फ्लावर देते थे तो उसके बदले में वो एक महल या फिर एक मकान लेते थे। इतना महंगा था पहले ये ट्यूलिप फ्लावर, अभी भी महंगा है बट पहले इसकी महंगाई कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए ये एक फ्लावर के बदले, एक फूल के बदले वो क्या लेते थे, हवेली लेते थे या फिर कह सकते हैं मकान लेते थे। स्टूडेंट्स, हमने इस सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा कि जो ट्यूलिप फ्लावर है ये किस वर्ड से लिया गया है, तो ये लिया गया है तुर्किश एंड टर्बन, ये तुर्किश एंड टर्बन वर्ड से लिया गया है और ये हॉलैंड देश में, देश का केंद्र बन गया ट्यूलिप फ्लावर, जहाँ पर, कहाँ पर ज़्यादा उगता है बच्चों, हॉलैंड में, तो ये हॉलैंड ट्यूलिप का केंद्र बन गया। और पहले के समय या फिर कह सकते हैं उस समय के लोग एक ट्यूलिप फ्लावर के लिए हवेली का आदान प्रदान करते थे, फिर कह सकते थे हवेली का अदला बदली जिसको कहते हैं वो करते थे। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जो ये फ्लावर के बारे में पूछ रहा है कि फ्रॉम विच वर्ड इज ट्यूलिप डिराइव्ड, ट्यूलिप फ्लावर किस वर्ड से लिया गया है, तो ट्यूलिप वर्ड किस वर्ड से लिया गया है, तो इसका हम क्या आंसर लिखेंगे बच्चों, तुर्किश, क्या लिखेंगे, तुर्किश, स्पेलिंग ऑफ तुर्किश टी यू आर के आई एस एच, तुर्किश एंड क्या लिखेंगे इसके आगे, एंड टर्बन टी यू आर बी ए एन टर्बन। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमने लिख लिया, फ्रॉम विच वर्ड इज ट्यूलिप डिराइव्ड, ट्यूलिप वर्ड किस वर्ड से लिया गया है, तुर्किश एंड टर्बन, यह हमारा आंसर हो गया। और आपको ये आंसर अपने बुक में फिलअप करना है और इसको लर्न भी करना है। ये देखिए, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था पिरामिड के बारे में, पिरामिड कैसे बनता है, क्या होता है, इसमें लोग क्या करते हैं, और अभी हमने देखिए सेकंड पैराग्राफ में पढ़ लिया ट्यूलिप फ्लावर के बारे में। इसके आगे देखिए जो थर्ड पैराग्राफ, इसमें हम पढ़ेंगे, लिखा है हाउ मेनी सबस्टेंस मेक आवर टीथ, हाउ मेनी सबस्टेंस मेक आवर टीथ, हमारे जो टीथ हैं, दांत हैं, वह कितने तत्वों से मिलकर बने हैं, ये हम पढ़ेंगे इस थर्ड पैराग्राफ में। हमारे जो टीथ हैं वो दांत हैं, कितने सबस्टेंस से, कितने तत्वों से मिलकर बने हैं, तो बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे आपको, यह आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।